हुण समय अनुसार जिस वेले इन्हां दे पुत्र पोतरे सियाणे होए तां इन्हां दे मन च गुरु साहिबां दे दर्शनां दी सिक पैदा होई भी साड्यां वड्यां नूं गुरु नानक देव जी ने तारिया, फिर गुरु रामदास जी ने शब्द उचार के तारिया। ये तीन शब्द लैके श्री अमृतसर साहब पहुंचे गुरु अर्जन देव जी कोले। सरोवर विच इशनान करके हरिमंदर साहब दे दर्शन किते, फिर किसी प्रेमी तो पुछ के रामसर साहब वाली जगह जिथे गुरु ग्रंथ साहब की रचना हो रही सी उत्थे दर्शन किते। पहरेदार ने अगे रोक लिया, भाई अद्धे महाराज अगे बाणी लिख रहे ने, अगे नहीं जाना। कहिंदे जी बेनती करो, असीं तीन शब्द ने साडे परिवार कोले, गुरु नानक देव जी दे आ, फिर गुरु रामदास जी महाराज का एक शब्द है, वह भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच अंकित कराउण लई असीं शब्द लैके आए। फिर तिने शब्द अगे रख के बेनती की, महाराज ये शब्द वड्डियां वडेरियां नूं सतगुरां ने बख्शे सी पहलां, साडे बजुर्गां नूं इन्हां शब्दां राहीं उपदेश दित्ता, आप कृपा करे सानू भी उपदेश दे दिओ। फिर गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने पहले तिना शब्दों का पाठ किया, फिर भाई गुरदास जी कह के तिने शब्द लिखवाए। उपरंत उस धारणा के आधार से पंचम पिता गुरु अर्जन देव महाराज ने मुखारबिंद तो बाणी उचार के उन्होंने बणजारिया फिर उपदेश किया। अगे पोतरिया पड़पोतरिया श्री राग महला पंजवा पहला पहरै रैण कै बणजारिया मित्रा धर पाएता उदरै माहे। भई बणजारिया मित्रा अवस्था रूपी रात के पहले पहरे विच परमात्मा ने जीव दे आउण नूं माता दे उदर विच एक पाइंता पैंतड़ा धर दिता, जिहड़ा रक्त बिंदा मिलाप कीता। यही ये पाठ जिहड़ा करना है, धर पाए ता नहीं करना, धर पाइंता। पाइंता मतलब पैंतड़ा। पैंतड़ा की हुंदा? पहला भी सवेरे एक चीज आई सी गुरमेलोच दमालड़ा, जिहड़ा पलवान हुंदा सी ना कोई तकड़ा मेले दे विच, वह बांस दे उत्ते उत्ते सारे एक पग जी बन के उहदे च पैसे बन के घूमदा हुंदा सी, उहदे अग्गे अग्गे ढोल खड़काउंदा जांदा सी बंदा, मगर मगरों पलवान मगर पांच सत उहदे बंदे, उह जां उच्चा जां टौरा जां छड़दा हुंदा सिर दे उत्ते, बांस दे उत्ते उह पग रख के आपदी उहदे च पैसे बन के घुमाउंदा वी आ जाओ जिहने मेरे नाल घुलना, उहनूं कहिंदे दमाला। उदों लोक उहनूं दमाला कहिंदे सी, पर महाराज सच्चे पातशाह ने दमाले की फिर रूप में बदलिया। इस तरह पाइंता लिखा, जिहड़ा पैंतड़ा की हुंदा? पैंतड़ा एक पुरानी चीज़ है, गुरु नानक साहब महाराज के आउण तो पहला नहीं चीज़ां ने चलिया हुई, वो इत्थे महाराज ने पैंतड़े नूं दस्या की हुंदा। वह पुराने टाइमां च एक गल हुंदी सी, जिवें किसी यात्रू ने बाहर जाण लई तैयारी कर लैनी, उहने फिर जाना पंडित कोले, बई वह मेरा जी फलाने दिन जाना है जां अज कल जाना है। पंडित ने कहना हाले तो शुभ घड़ी नहीं, शुभ घड़ी तो हाले हफ्ते नूं आउणी है, तो फिर की करां जी? तो कहने शुभ घड़ी तो अज ही है, तू जाना परसों नूं। पर उह बंदे नूं कोई कपड़े लीड़े समान जिहा दस देना, उहने उह कपड़ा लीड़ा समान जिहा चीज़ां सारियां इकट्ठियां करके, कपड़ा चौल तांबा हल्दी आदि कईआं जिहीआं चीज़ां, इहनूं तां कहिंदे बाहर रखिआ तूं पिंड तों, अज तेरा अज वह समान बाहर निकल जू, तो जाएगा परसों चौथे जाता नाल चक के लै जी, फिर तेरा फिर पैंतड़ा ठीक हो जू। इनू पैंतड़ा कहिंदे सी, पाइता। इस तरह जीव दे पहरन का कपड़ा शरीर, शरीर का दी रचना माता दे उदर विच प्रभु ने शुरू की, यही मानो जीव की संसारक यात्रा लई पहले पैंतड़ा धर दिता। इहदा मतलब कि एक उदाहरण, एक अंगी दृष्टांत दिता महाराज ने, क्योंकि वणजारिया समझाने लिए फिर उन्होंने धर्म मुताबक चीज दसी है ना। इस करके सतगुरु कहते पाएता, पैंतड़ा माता के उदर विच जिहड़ा जीव का मिलाप करता रक्त ते बिंद दा। दसी मासी मानस किया वणजारिया मित्रा, ये पई वणजारिया मित्रा हरी ने दसी मासी दसा महीनों में जीव की मनुखा देही पूर्ण रूप दे बना दिती। कर मोहलत कर्म कमाहे, अते कर्मां दे कमाउण दी म्याद कर दित्ती कि इन्ना चिर जग विच रह के ते कर्म कमाउणे ने, लिख दात जोत वडियाई। सो महाराज ने मत्थे उत्ते लिख दिता, मरण लिखाए मंडल मह आए, अंगण काले सब दिस दिवस सास ने बढ़न घटन तिल सार। मत्थे ते लिखते इन्ने करोड़ इन्ने लख हजार दे हिसाब नाल रहना, स्वास इन्ने लैणे, आ थां ते जाके इहदी परलब्ध मुकणी, उत्थे इहदी मौत होणी, सारा कुछ इहदे मस्तक उत्ते महाराज लिख दिंदे ने।
मोहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया। कर्मां दे कमाउण दी मोहलत म्याद करती तुर तो ही जन्म लैण तो पहला ही मत्थे उत्ते लेख लिख दिते इहदे। मात पिता भाई सुत बंता तिन भीतर प्रभु संजोया। माता पिता भरा पुत्र इस्त्री आदिक जिहड़े संबंधी उहनां दे विच प्रभु ने यह जीव नूं संजोया तो भाव मेलना कीता। कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनता बस किछ ना है। वाहिगुरु आप ही धुर दी लिखत अनुसारे जीवां दे पासों समान कर्म ते सुकर्म हुंदे ने चंगे कर्म कमाउंदा करवा करवा लैंदा आपे। ये जीव दे बस वैसे कुछ भी नहीं हुंदा पर यही चीज समझनी बहुत औखी है। इसे गल नूं नहीं कोई समझ सकदा। कहो नानक प्राणी पहला पहरा धर पाए ता उदरै माहे। महाराज कथन करदे हे जीव अवस्था रूपी रात दे पहले पहरे विच वाहिगुरु ने धर तो भाव फड़ के इनूं माता दे उदर विच पाएता तो भाव पा दिता। दूजे पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा भर जवानी लहरी दे। कहने बणजारिया मित्रा अवस्था रूपी रात दे दूजे पहरे विच जदों जवानी आउंदी जोवन आउंदा अवस्था रूपी नदी बल रूप जल नाल भरी चलदी जदों ता काम क्रोह लोभ मोहंकार आदिक रूपी वड्डियां लहरां वजदियां आ के फिर जिस वेले भर जवानी आउंदियां तां लहरी मारदियां ठाठा मारदा फिरदा पैर थले नहीं लगदा मोढ़ियां तो थुकदा कदे मुंदरियां पाउंदा कदे कन्नां च कुछ पाउंदा कदे बस असमान नूं लग्या हुंदा जवानी दे विच। महाराज कहने फिर इहनूं जिन्ना मर्जी रोको समुंदर दी सुनामी लहर अगों ही आउंदा फिर कहना हुण सब कुछ उड़ा दूंगा। बुरा भला ना पछाणी बणजारिया मित्रा मन मत्ता अंग मे। बणजारिया मित्रा उदों बंदा फिर बुरा भला नहीं पछाणदा जवानी च इन्नियां गलतियां करदा क्योंकि एव तो भाव निश्चय करके हंकार इहदे मन विच मस्तिया हुंदा बहुता ही हंकार चढ़िया हरेक नूं ही कहिंदा मेरा की विगाड़ लू। हौली हौली महाराज नूं भी कहिण लग जांदा कहिंदा रब मेरा की विगाड़ लू फिर तां ही चढ़ जांदा आसमान विच। बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा। हुण जीव चंगे बंदे नूं पछाणदा नहीं कर्म नूं अगे करारा हुंदा करड़े रस्ते च लंघना पैणा फिर बहुत बहुत कटापा चढ़दा फिर बहुत ज्यादा कड़ाका चढ़दा फिर उत्थे जीव नूं बहुत पछताउणा पैंदा जाके। पूरा सतगुरु कबहू ना सेवया सिर ठांडे जम जंदारा। कहने पई जवानी तां फिर तूं जे माड़ा जा किते कह सेवा कर लिया कहिंदा मैं करा मैं क्यों करा मैं नहीं करदा इह कम झाड़ू देना भांडे मांजने गुरु घर दे चौर करनी होर सेवा कहिंदे मैं क्यों करा पढ़िया लिखिया बंदा मैं जां मेरे चाह गल जां मेरे चाह गल ये आ जाती है हंकार आ जाता हरेक बंदे च। कहिंदे याद रख तेरे सिर उपर जिंददारी जिहड़ा जमदूत डंडा लैके हमेशा ही खड़ा रहिंदा है। धर्म राय जा पकरस बवरे तब क्या जवाब करे। कहने बवरे चलिया बंदिया जदों धर्म राजा तेनू फड़ेगा उस वेले तू की जवाब देवेगा अगे उन्हू। कहो नानक दूजे पहरै प्राणी भर जोबन लहरी दे। कहने जवानी की अवस्था विच लहरां फिर उठदियां बड़िया बड़िया बल दियां लहरां काम क्रोह लोभ मोहंकार दियां लहरां उठदियां ने। तीजे पहरै रहण कै बणजारिया मित्रा बिख संचै अंध अग्ञान। कहने बणजारिया मित्रा अवस्था रूपी रात दे तीजे पहरे च ना अधखड़ उम्र विच फिर अन्ना अग्ञानी जीव बिख संचय तो भाव माया कठी करदा बिख विकार कठे करदा बिख नशे खांदा बिख तंबाकू खांदा बिख शराब पींदा है बिख बगानियां इस्त्रियां वल जांदा इन्नी जहर खा लैंदा फिर इस उम्र दे विच। पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बणजारिया मित्रा अंतर लहर लोभान। ਭਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਲੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਨ ਲੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵਹਿ दिन करह काम एक खिन लेह न हर को नाम। साध संगत स्यों संग न किया बहु जोनी दुख पावै। गुरां दी कदे संगति नहीं करदा कहने संगत साडा की काम है उत्थे रिटायर बुढ़े ठीक है उन्हां नूं बिठा दो पटियाले
जो कथा होंगी सारे जिन्ने रिटायर होए हुए सारे उत्थे बैठे होंगे हरेक किसी को कही जी कि हुण जवानी च कदे आ जा करो नहीं कहते रिटायर होकर बैठा आकर उत्थे क्यों लोग समझते भी बुढ़ेपे च भगती करी दी पर सतगुरु कहते जवानी च भगती करी दी बचपन विच भगती ज्यादा कामयाब रहिंदी उदो मन निर्मल हुंदा जदों तक इन्ने गुनाह हो जाते ने चिक्कड़ भर जाता उदों तक वह चिक्कड़ नूं कढ़ना ही बहुत औखा हो जाता मन चो इस करके बहुतियां जूनियां विच फिरन दे दुख फिर प्राप्त हुंदे ने सिरजनहार विसारिया स्वामी निमख ना लगो ध्यान ये जीव ने सब पैदा करन वाले जिहड़े स्वामी मालक आ ना परमात्मा ये जीवां नूं पैदा करन वाला परमात्मा जिहड़ा उहनूं भुला ही दिता एक निमख मात्र भी उहने ध्यान च नहीं लग्या कदे कौ नानक प्राणी तीजा पहरै बिख संचे अंधा ज्ञान तीजी अवस्था च आके अधखड़ उम्र दे विच फिर की करदा कहिंदे अन्ना जीव अग्ञानी की करदा विषय विकार ही भोगी जांदा माया नूं इकट्ठी करी जांदा चौथा पहरै रहण कै बणजारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोए कहिंदे बणजारिया मित्रा हुण चौथी उम्र आ गई तेरी बुढ़ेपे दी हुण इत्थों तुर जाण दा समा आ गया तेरा गुरमुख नाम संभाल तू बणजारिया मित्रा तेरा दरग है बेली होए कहिंदे चल जे तीन अवस्था च नहीं संभालिया हुण तां संभाल गुरमुख बण के गुरां द्वारा नाम नूं तां याद कर लै हुण वाहिगुरु दा नाम दरगाह च तेरा बेली होगा सहायता होगी तेरी नाम दे राहीं गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते होए सिखाई कहिंदे जीव गुरमुख बण के गुरां द्वारा नाम नूं संभालना कर वाहिगुरु वाहिगुरु कर अंतम समय विच उह तेरा सहाई होवेगा कहने की करने इन्ने पाठ 25 पाठ 50 पाठ ये तां गाहां जाके पता लगदा ना जिन्हें कमाए होंदे तां उहनूं पता लगदा सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते मेहनत कर नाम ते हुण इहो मोह माया तेरा संग ना चलै झूठी प्रीत लगाई ये जिस माया दे मोह नूं कर रहा है माया दे मोह विच तेरी प्रीति लगी हुई है नाल थोड़ी जानी है झूठी माया नाल झूठा ही प्यार लाया होया सगली रैन गुदरे अंधारी सेव सतगुर चानण होए कहने तेरी अवस्था रूपी सारी अग्ञान रूपी हनेरे विच गुजरती जा रही रात तेरी उमरा रूपी रात सतगुरां दी सेवा कर हनेरे नूं नाश करन वाला तेनू ज्ञान हो जाएगा तेरे अंदर कहो नानक प्राणी चौथा पहरै दिन नेड़े आया सोए हुण कहने तेरा दिन नेड़े आ गया चौथा पहर आ गया हुण तां बिलकुल ही जिंदगी खत्म हो चली लिखिया आया गोविंद का बणजारिया मित्रा उठ चले कमाणा साथ भई बणजारिया मित्रा जिस वेले गोविंद परमेश्वर दा आ गया ना हुण हुकम चीरी आई ढिल ना काऊ कल्ले आवै नानका सदे उठी जाहे तां हो ही जाणा फिर गोविंद दा लिखिया होया परवाणा लैके जदों जमदूत आ गए उठ चले कमाणा साथ ओ तीर कमाणा वाले जमदूतां दे नाल जाणा ही पैणा जो इन्हें चंगा मंदा कर्म कमाया वह नाल लैके चलना ही पैना फिर एक रत्ती बिलमना देवनी बणजारिया मित्रा उन्नी तकड़े पाए हाथ कहिंदे एक रत्ती भर भी देर ढिल नहीं लगनी तू कहेंगा आज की रात गांव किश बाकी एक रात नहीं दिंदे मैं न्याणियां नूं हिसाब किताब दस दिया किथे किथे एफडियां कराईयां किथे किथे पैसे रखे हुए रिश्तेदारां नूं फोन ते गल कर लीए वह जमदूतां ने की किया तकड़े पाए हाथ उन्नी तकड़े पाए तकड़े हथ पा ले तुरदा लग तू बहुतियां गल्लां ना बना तेरा समा आ गया हुण लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले लिखिया होया समा जिस वेले पूरा होया ना जिस वेले गोविंद दा लिखिया होया परवाना आ गया 12:15 ते खिंच लियो जाने दी बाहर नूं वह एक सैकंड दा हजारवां हिस्सा भी नहीं दिंदे पहले ही खिंच लेंदे ने जीव नूं फड़ के अगे तोर लिया उस वेले मनमुख पुरश बहुत दुखी हुंदा फिर हाए हाए करदा जांदा पापी पाप कमावदे करदे हाए हाए जिन्हें पूरा सतगुर सेवया से दरगह सदा सुहेले जिन्हां ने संगत की सेवा की सतगुरां की सेवा की बाणी पढ़ी गुर की सेवा नाम धियाई है संत की सेवा नाम धियाई है वह दरगाह विच सुखी रहिंदे ने इत्थे नहीं पता लगता किसी गल का इत्थे सारे निंदक बन के निंदा ही करी जाते बहुत निंदा करते ने इन्नी निंदा बिना सोचे समझे ही करी जाते ने इन्नी निंदक हो गई दुनिया हरेक गल की निंदा पता नहीं वास्ता नहीं किसी गल का फिर महाराज कहने अगे जाके इन्ने औखे होणगे कोई फायदा
कर्म धरती शरीर युग अंतर जो बोवै सो खात। यह कलयुग के अंदर शरीर कर्मा रूप बीज के बीजन की धरती है। भारत खंड की धरती मनुख शरीर कलयुग का समा यह तिने कर्म धरतियां ने। इन्हों के अंदर जो भी कर्मा रूप बीज बीजा वे अनुसार वह फल खांदा। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मनमुख सदा पवात। भगती के करन वाले भगत हमेशा वाहिगुरु के दरबार में सोभदे ने। मनमुख पुरश नित जूनिया विच पवात तो भाव पुआए जाते ने, गेड़े खवाए जाते ने उन्हां नूं। क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने यह बणजारियां दे सारे शब्द इत्थे आके पूरे होए ने। पहले पातशाह दे शब्द दो, फिर चौथे पातशाह दा शब्द, फिर पंजवें पातशाह दा शब्द। क्यों बणजारियां नूं महाराज ने उपदेश कीता पावन पवित्र उपदेश।